हेलो, रुके रुके रुके, पढ़ाई से दुर्भाग्य नहीं। मैं सुनील कुमार आप लोगों के लिए लॉ साइंस क्लासेस से डेरिवेशंस करवाने के लिए आ गया हूँ। तो भाई दिल थाम के नहीं है, मैं आप लोगों को आज का जो इंटरेस्टेड टॉपिक है वो है लेंस मेकर फार्मूला। अगर आप मेरे वीडियो को देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई। तो आज का जो टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला है और लेंस फार्मूला है। तो भाई जितने सारे भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को एक भी टॉपिक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करें। अगर कमेंट में आप जो भी टॉपिक देते हैं आपका वीडियो सॉल्यूशन नहीं पहुंचता है, वो मेरा गारंटी है कि हम आपको पहुंचाएंगे। तो चलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला है और लेंस फार्मूला एकदम बेसिक ट्रिक से बनाएंगे, एकदम सिंपल ट्रिक से। तो जिस तरह से पिछले क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक को यूज करेंगे और लेंस मेकर फार्मूला को हम बनाएंगे और लेंस फार्मूला को बनाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी लेंस को लेके डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन इस लेंस बेसिक लेंस को हम लेंगे और उस लेंस से हम ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस से ही हम लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो भाई ये है कन्वर्जिंग लेंस। तो ये दो ऑप्टिकल सरफेस है, ये है आपका सरफेस वन, सरफेस वन, और ये है सरफेस टू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल एक्सिस को हम डालते हैं, यहां जो हो जाएगा पी हो जाएगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल हो जाएगा। लेंस है भाई, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल मान लेते हैं और इधर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू एम मान लेते हैं। इधर मीडियम है, इधर मीडियम है, ये हो जाएगा रेडर मीडियम और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। एक हो जाएगा रेडर मीडियम, दूसरा हो जाएगा डेंसर मीडियम। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम ले चलते हैं, तो यहाँ देखो ये सरफेस वन है। इस सरफेस में अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, एक बात और बताते हैं कि ये सरफेस है, ये सरफेस गोला है, इधर है मतलब ये स्पेरिकल सरफेस इधर है, तो रेडियस निश्चित रूप से इधर बनेगा। रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ हम परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया सरफेस वन का। सरफेस वन का रेडियस को मान लेते हैं यहाँ से सी वन, और ये है सरफेस टू, सरफेस टू का रेडियस इधर होगा। तो चलते हैं, अब ये चीज़ बताए थे कि अगर कोई रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो नॉर्मल की ओर झुकता है, तो नॉर्मल की ओर झुका देते हैं, नॉर्मल की ओर झुका देते हैं। और हम देखेंगे भाई, हम साफ शब्दों में देखेंगे कि यहाँ जो झुक रहा है फिर यहाँ से यहाँ, ये है डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम से फिर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। डेंसर मीडियम से फिर अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं डेंसर मीडियम से, तो ये परपेंडिकुलर से दूर भागता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से दूर भागता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है, तो नॉर्मल से दूर भगा दिए, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भगा दिए, ये आपका रियल इमेज बना। तो ये है स्ट्रक्चर लेंस मेकर फार्मूला का। अगर आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में कहीं दिक्कत है तो प्लीज एक बार और समझ लें। ये हो गया ऑब्जेक्ट और एक इधर से भेजेंगे तो ये हो गया इमेज, ये हो गया भाई इंसिडेंट रे। यहाँ जाएगा सरफेस वन, रेयर मीडियम से ट्रेवल करेगा डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से नॉर्मल की ओर आएगा, और फिर डेंसर से रेयर में तो नॉर्मल से दूर भागेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं सेंटर वन सी वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सी वन सेंटर वन, सेंटर वन हो गया, ये हो गया सेंटर टू। यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ सेंटर टू है R2 कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ C1 है R1 कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ I है तो I को V से कंसीडर करते हैं। तो यही है, और एक डिस्टेंस और है, इसको हम
आई नहीं आई डैश मान लेते हैं तो ये हो जाएगा भी डैश, ये है मेन। अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हम पिछले क्लास में सीखे थे वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं इसको मान लेते हैं कि ओ पी, ओ पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओ पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से कंसीडर करते हैं। अभी हम माइनस साइन को ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, माइनस साइन यू हम कंसीडर कर लिए। उसके बाद ये हो गया ओ पी, और फिर हो गया पी से आई, अब पी आई जो हो जाएगा, या फिर आई पी जो हो जाएगा, पी आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं फोर सरफेस वन का, रेडियस ऑफ सरफेस वन का निकालते हैं, रेडियस ऑफ सरफेस इधर है भाई, तो सरफेस वन का आर वन हो गया, और फोर सरफेस टू का निकालते हैं तो ये हो गया आर टू, और ये है आपका सारा, देख सकते हैं आप सारा चीज यहाँ नोटेड है। और एक पॉइंट है आई डैश, आई डैश इज द हाइपोथेटिकल इमेज बट इट इज कंसिडर फॉर सेकेंड सरफेस, इट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, जस्ट एज ऑब्जेक्ट। पी आई डैश इज हाइपोथेटिकल इमेज, वर्चुअल इमेज, और सरफेस टू के लिए यही वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा। फोर सरफेस टू, सरफेस टू के लिए हम बातचीत करेंगे तो ये बिहेव करेगा, यही वर्चुअल इमेज जो है भी डैश बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट के जैसा सरफेस टू के लिए। तो ये है आपका फिगर, आप ध्यान से देखिए इसको। अब हम जानते हैं, We know that, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, फॉर सरफेस के लिए, फॉर सरफेस के लिए हम जानते हैं, फॉर कर्व सरफेस के लिए सेपरेटेड बाय टू मीडियम के लिए म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू, दोनों का सेपरेट हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये है आपका कर्व सरफेस के लिए। तो फोर सरफेस, फोर सरफेस वन के लिए, फोर सरफेस वन का बात करते हैं तो सब म्यू टू, म्यू टू मतलब सरफेस वन का म्यू एल हो जाएगा, म्यू एल बाय, अब म्यू एल, म्यू एल बाय भी, तो इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए जो म्यू एल हो गया, और इस सरफेस के लिए जो भी होगा, भी जो होगा इमेज होगा वो हो जाएगा वी आई वी डैश माइनस, ये हो जाएगा म्यू वन, म्यू वन मतलब ये म्यू एम, म्यू एम बाई यू, यू तो यहाँ यू माइनस कंसिडर नहीं करना है बल्कि यू आपका जो का सो रहेगा यू, अब इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एल माइनस म्यू एम बाय आर वन, ये सरफेस वन का रेडियस इधर है आर वन। अब हम बातचीत करते हैं फोर सरफेस टू का, तो सरफेस टू में बात करेंगे तो इस सरफेस में, इस सरफेस का रेडियस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एल के जगह में हो जाएगा अब म्यू एम इधर, तो म्यू एम, म्यू एम भाई हो गया सरफेस टू के लिए म्यू एम, म्यू एम हो जाएगा इधर भी हो जाएगा म्यू एम, म्यू एम बाय म्यू एम इधर है भाई तो हो जाएगा म्यू एम बाय भी, भी वाला इधर म्यू एम है इधर वाला डिस्टेंस लेंगे तो हो जाएगा म्यू एम बाय भी माइनस म्यू एल, म्यू एल इधर वाला सरफेस, सरफेस टू के लिए म्यू एल बाय इसका जो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा भी डैश, ये हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा सरफेस टू के लिए, और ये हो जाएगा दोनों को फिर माइनस करेंगे म्यू एम माइनस म्यू एल, म्यू एम माइनस म्यू एल बाय
R2। अब इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद देखो, ये μl/v' पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था कैंसिल हो गया। अब ये माइनस में है, बाद में लिखेंगे, प्लस में इसको पहले लिख लेते हैं। तो हो जाएगा μm/v - μm/u = इसको पहले लिखते हैं μl/μm - μm/r1 - μe, दोनों इसमें से कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ तो ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करेंगे, इसमें से माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं या फिर इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस बाहर निकल जाएगा, ये है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा μl - μm/r2। क्या किए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें से माइनस को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, क्योंकि यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ऐड के जगह में यहाँ नेगेटिव लिखे हैं, या फिर कह सकते हैं कि नेगेटिव है तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस में है, बस रिटर्न फिर जाएंगे तो उसी में आ जाएगा। म्यू एम को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1/v - 1/u = इसमें से दोनों कॉमन निकल जाएगा तो जाएगा μl - μm / 1/r1 - 1/r2। अब हम म्यू एम को इधर भेज देते हैं तो जाएगा 1/v - 1/u = μl - μm / μm, ये हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तब हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। यहां हम बातचीत करते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रहता है तो इमेज कहां बनेगा लेंस में, तो अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट में रखेंगे कन्वर्जिंग लेंस है कटेगा, इधर से भी एक रे गया तो इनफाइनाइट से हम रे को ले जाते हैं, तो इनफाइनाइट से जाएगा तो ये भी कन्वर्जिंग लेंस है कट जाएगा, तो निश्चित रूप से फोकस पे कटेगा। हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट में है, इफ v डिस्टेंस को अगर हम इनफाइनाइट पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम u को अगर ऑब्जेक्ट को हम अगर इनफाइनाइट पे रखते हैं तो v मेरा फोकस पे बन जाएगा, मतलब v = f। ये अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो v मेरा फोकस पे बन जाएगा। तो अब हम इस चीज को यहां यूज कर देते हैं, तो यहां यूज करेंगे तो हो जाएगा 1/v को आप लिखेंगे 1/f - 1/u के जगह में इनफाइनाइट है 1/∞। देखो 1/v = f है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो v = f है भाई, तो v के जगह में f रखेंगे, u के जगह में इनफाइनाइट है तो u के जगह में इनफाइनाइट रखेंगे, इज इक्वल टू μl - μm/μm = 1/r1 - 1/r2। अब हम इज का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1/f = μl - μm/μm 1/r1 - 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला,
या फिर कह सकते हैं म्यू एम एम इधर बांट देंगे तो इधर बढ़ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाय एफ इज इक्वल टू, वन बाय एफ इज इक्वल टू यहाँ बांट देंगे तो म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस ये कट जाएगा तो वन हो जाएगा, फिर हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। इसे भी हम लेंस मेकर फॉर्मूला से देख सकते हैं। ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम बातचीत करते हैं लेंस फॉर्मूला का, लेंस फॉर्मूला का, लेंस फॉर्मूला का बात करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला देखिए वन बाय एफ इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन को वन मानते हैं, सॉरी वन टू मान चुके हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर थ्री और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर, इसको इक्वेशन नंबर थ्री इसको फोर। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर से, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर से देखेंगे तो देखेंगे कि ये साइड और ये साइड मिल गया, मतलब इसके इतना मान बराबर है कि इसके जगह में वन बाय एफ रख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू इसके जगह में वन बाय एफ, क्योंकि ये साइड बराबर है तो इसके जगह में इतना का मान जो है वन बाय एफ है, यहाँ लिखेंगे वन बाय एफ। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा डेरिवेशंस? अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करें, हम आपको फिर से वीडियो सॉल्यूशन करेंगे, बेहतर तरीका से करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।